जहां पर दो मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए थे, वहां अभी भी पानी जस का तस बना हुआ है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे, ये दिल्ली की जनता लगातार पूछ रही है। देखिए रिपोर्ट में। एक तस्वीर शनिवार की है जब बारिश हुई थी और एक तस्वीर रविवार की है जब बारिश थमी हुई है। दोनों ही तस्वीरों को देखने के बाद शायद कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन फर्क उस परिवार को पड़ा है जिसने लापरवाह सिस्टम की वजह से अपने घरों के चिरागों को खो दिया। दिल्ली की चिंता फिक्र करने का दिखावा करने वाले इमरजेंसी बैठक करते हैं, निर्देश जारी करते हैं, मास्टर प्लान तैयार करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन बात है। ये दिल्ली सरकार है जो दिल्ली वासियों की चिंता को लेकर गंभीर नजर आती है, लेकिन तस्वीरें सारी असलियत बयां कर देती है। दिल्ली का सिरसपुर अंडरपास जहां शनिवार को हुई बारिश में पानी भर गया, उसी वक्त दो बच्चे अंडरपास के नीचे इस उम्मीद में आ गए कि शायद वो भीगने से बच जाएं, लेकिन उन्हें क्या पता था यही उनकी मौत की वजह बनेगा। जैसे ही बच्चे अंडरपास के नीचे आए, बिजली के लटकते तारों की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद अपने दिल के टुकड़ों को खोने का दर्द आप साफ सुन सकते हैं, लेकिन ये चीखे सोती दिल्ली सरकार और प्रशासन को सुनाई नहीं दी है। शायद वो फिर किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे होने के बाद भी सिरसपुर में वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो कल थी। पानी वैसा ही भरा हुआ है, बिजली के तार भी वैसे ही लटक रहे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने वहाँ पर एक्शन लेना तो दूर, एक्शन के बारे में सोचा भी नहीं है। आज देखिए किस तरह से 24 घंटे करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब भी अंडरपास में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पे तस्वीरें इसकी दिखाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कल जब बरसात यहाँ पे हुई थी तो दो बच्चे पहुँचे थे, अपने आप बचाव के लिए पहुँचे हुए थे कि अंडरपास का सहारा लेंगे और यहाँ पे हम बच जाएंगे, बारिश से बचेंगे। लेकिन ऐसे में जब बच्चे पहुँचते हैं तो ये जो बिजली की तारें आपको नज़र आ रही है, ये बिजली की तारों से उन्हें कहीं करंट लग जाता है और उसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। सिरसपुर अंडरपास ही नहीं बल्कि ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, जो दिल्ली सरकार के साथ साथ उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सवालों के घेरे में लाती हैं, जिनके जिम्मे दिल्ली वालों की सुरक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बादलों का गदर ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि